हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे सुबह सुबह जाना था सैलून पे, क्योंकि आज सब ब्राइडल मेकअप पर ब्राइडल का कॉल आया है कि मैं लेट आऊँगी, और उसी लेट के चक्कर में मैं भी हो चुकी हूँ लेट, क्योंकि 9 बज गई हैं और मैं ना रेडी हुई हूँ और ना ही मेरा नाश्ता हुआ है। तो इसीलिए जल्दी से हो जाती हूँ रेडी और फिर मेरा नाश्ता वगैरह करूँगी, और सैलून भी क्लोज है तो वो आके बैठेगी यहाँ पे। एक बार ज्योति को बोल देती हूँ पहुँचो भाई। रेडी, ब्रेकफास्ट भी हो गया, ये चलते हैं शॉप पर क्योंकि ब्राइड है वो वेट कर रही है, और सीधा वहाँ पर जाकर ही आपसे मिलना होगा क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी में। अच्छा, चालू ही था कैमरा, मेरे को पता ही नहीं। हाँ, तो अभी हो गई है ब्राइड रेडी होके। अरे यार, अभी ब्राइड होके, अरे यार, अभी ब्राइड रेडी होके चली गई है, और ब्राइड कैमरे में आई नहीं क्योंकि थोड़ा कैमरे से फोबिया था इसलिए, और यूट्यूब पे आना नहीं चाहते थे। तो ब्राइड को तो रेडी करके भेज दिया, अब घर जाएंगे, खाना वगैरह पकाएंगे और फिर आएंगे सैलून पे। और आज हैप्पी भी अभी नहीं है तो आगे पीछे बहुत भाग दौड़ हो जाएगी। और अभी हो गया है काम कम्प्लीट, चिकू भी लेने आ गए हैं, और ब्राइड तो मैंने जैसे कि आपको कहा कैमरा फ्रेंडली नहीं थी तो कैमरे में नहीं आई है, और मेरा दुपट्टा यहीं है। मेरे को आज है ना किसी को एक परफ्यूम लगाया जिससे मेरे को एलर्जी जैसा लग रहा है यार, छींके चालू हो गई उससे। आ गई हूँ घर पर और लगभग 12:30 तो हो गई है। खाने में क्या बनता है? खाने में आज बना है मक्के की रोटी और उड़द की दाल बिगर वगारी हुई। ये ठंड का स्पेशल खाना है, यानी बिगर फ्राई की हुई उड़द की दाल और मक्की की रोटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मैं लेके जा रही हूँ घी फुल ऑफ अमाउंट में, और घी भी ले लिया। नींबू तो नहीं है आज खाने में, बाकी नींबू होता तो और भी मज़ा आता। खाना वगैरह खा लेते हैं, चिकू को भी फ़ोन करते हैं, खाना वगैरह खा के फिर शॉप पर चलेंगे, और ज्योति भी अकेले, उसको भी भेजना है खाना खाने के लिए। खाना वगैरह सब खा लिया है, अब जा रहे हैं शॉप पर, और मेरे को सर्दी भी हो गई है, थोड़ी विक्स भी लगा दी है। शॉप पर मैं आ गई हूँ, और अभी जो नेल पेंट का डिस्प्ले है उसके अंदर मैं नेल पेंट के एक एक अच्छे अच्छे जो शेड हैं वो डिस्प्ले कर देती हूँ, जिससे हमारा जो डिस्प्ले बॉक्स है वो और अट्रैक्टिव दिखे। अभी मैं जो मेरा मिसकॉस का डिस्प्ले है उसको अच्छे से मैं रिफ़िल करने वाली, क्योंकि कल हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था तो इसको रिफ़िल करना रह गया था, तो कुछ तो मैंने रिफ़िल किया कर दिया है और कुछ मैं भी कर रही हूँ। तो जब तक मैं इसको रिफ़िल करती हूँ तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय करो। अभी आधा अधूरा तो कर दिया, आधा बाद में लेके करेंगे क्योंकि कस्टमर आ गए, इसलिए हमारा काम हो गया है डन। और अभी मैंने सोचा क्यों ना ब्रशेस सारे वॉश कर दूँ, क्योंकि बहुत चालू है ना, ब्रशेस सारे बंद कर दूँ, बंद कर दूँ। क्या बोल रहे जिया जी, आप ये एडिट करना बंद। अब चल, हमारा काम हो चुका है तो मैंने क्यों ना सोचा कि ब्रशेस जितने भी है वो सारे वॉश कर दूँ। तो इसको बहुत गर्म पानी मैंने अच्छे से डिप कर दिया है, सारा फाउंडेशन माल मसाला सब निकल गया था, अब इसको अच्छे से वॉश करूँगी धीरे धीरे, तो ये बाल्टी इधर रख देती हूँ। अभी यहाँ पर सारा रीअरेंज किया ब्रश धोने के बाद, और पीछे भी सारा रीअरेंज किया, इधर आओ बताती हूँ मैं। यहाँ करना बाकी है, ये इधर सारी चीज़ें जमा दी, यहाँ सारे बाउल रहेंगे, ये जो भी शॉप का एक्स्ट्रा है सामान वो रहेगा। तो ये सारा अरेंज किया, बेसिंक धोया, ये वॉश किया, बहुत सारा काम हुआ है आज तो पूछो ही मत। और ऐसा मेरा नाक भी चालू हो गया था, पर चिकू के आते में बंद हो गया नाक, मैं भी सोचे सेटर जिन लू हूँ। चिकू मैं क्या कह रही हूँ, ये पर्दा है यहाँ पे लगवा दो, यहाँ मिट्टी बहुत नहीं आएगी, यहाँ कितनी मिट्टी है, ये देखो सब जगह पे साफ किया है अभी मैंने। ओके, है ना, चलो। नेल पेंट आधी अधूरी जमा दी थी क्योंकि उस टाइम पे क्लाइंट आ गए थे, इसलिए मैंने फिर स्टॉप कर दिया, तो मैंने यहाँ पर इतनी तो जमा दी है, बाकी 2 रैक जमानी बाकी है तो वो जल्दी से जमा देती हूँ मैं। तो वो 2 रैके पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मैट वाली है, मैट वाली ले लो थोड़ी, और गोल वाली है ना,
वो वाली ले लूँ। बहुत लगाता हूँ, मजा आता है मुझे ऐसे नापने में। ट्रांसपेरेंट तो अभी भी लगाते थे जिया जी, शादी के बाद भी लगाता मैं। पर मैं लगाऊंगी दिखे नहीं थे, पर शाइनिंग बढ़ गई, शाइनिंग कम हो गई। सही चले, आप घर चले। हाँ चलो चलो, आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं। और ये अभी मैं भिगा रही हूँ सूजी, क्योंकि हमको इडली सांबर बनाना है इसलिए। और सूजी की इडली बना रही हूँ मैं, सूजी की इडली बना रही हूँ इसलिए सूजी की डेढ़ पैकेट तो चाहिएगी। हो रही है सांभर की तैयारी, तो ये मैं दाल एक बार बॉईल करने रख रही हूँ, तो वो दो तीन मुट्ठी दाल इनफ हो जाएगी। और ये वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रख दी है, यहाँ पर कट किया है मैंने थोड़ा सा गाजर, आलू और लौकी और टमाटर, सिर्फ इतना ही किया है कट, दो बार का गिर गया ये। देती हूँ ये हमारा तैयार हो गया है सांभर मसाले का, सांभर की सब्जियाँ। तो एक बार इसको अच्छे से स्टर कर देती हूँ और चार से पांच सीटी ले लेती हूँ। ये रख दिया है और एक तरफ अभी मैं बना दूंगी सांभर का मसाला, जो मैन उसका मसाला होता है वो, तो वो तैयारी करती हूँ एक बार। इसके लिए टमाटर प्याज लहसुन वगैरह सब कंप्लीट कर देती हूँ। बैटरी लो हो गई थी पता ही नहीं रहा। ये हमारी इडली का कुकर, अब इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। एक तरफ इडली बन रही है, एक तरफ सांभर बॉइल हो रहा है, इसको छोड़ देते थोड़ी देर और अपन 5-10 मिनट बैठ जाते हैं। अभी हो रही है इडली फ्राई और ये इडली कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर फ्राई की भी तैयारी हो रही है। ये हमारा इडली सांभर बनके तैयार है। हमारा खाना बन के तैयार है। अब खाने में क्या बना है वो तो मैंने आपको बता दिया। ये मेरी प्लेट और ये हमारे स्पेशल गेस्ट की प्लेट, और वो गेस्ट हैं ज्योति। बड़े दिनों से प्लानिंग चल रही थी, इडली सांभर बनाएंगे इडली सांभर बनाएंगे, आज बनाएंगे। मैंने कहा क्यों ना ज्योति को भी साथ में लिया जाए, और पूरे ब्लॉग में आपको ज्योति को दिखाया ही नहीं मैंने, क्योंकि हमारी जो स्पेशल गेस्ट थी वो थोड़ी छुप रही थी, इसलिए। तो अभी खाना खाया जाएगा मस्ती से, एक बार खाना खा लेते हैं। ये बस गेस्ट रवानगी पे है, अब गेस्ट को छोड़ने जा रहे हैं इसके जिया जी। तो ज्योति लास्ट टाइम मिट्टू को मिल रही है, मिट्टू। ठीक है, तो हमारे गेस्ट बस इतनी देर तक आए थे, रात नहीं रुकेंगे। ज्योति तो गई, अब थोड़ा सा किचन जो इतना बिखरा पड़ा है इसको अवेयर देते हैं। किचन तो क्लीन कर दिया है, थोड़ी सी इडली बन रही है जो कि चुके सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे, और बस थकान लग गई। कुछ वैरायटी बनाओ थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, उसी चक्कर में बहुत सारी खा भी ली और बना बना के थक भी गई थी, तो इसलिए अब सो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, वही चीज़ हो गई है।
अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में. ओके, बाय.